तो गाइस इवेंट के लिए आ चुके हैं, सामान वगैरह रख दिया है और देख सकते हो यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, पता नहीं कौन रहता है इतना ऊपर, कितनी ऊपर है भाई। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और जैसे कि आप देख रहे हैं व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे शाम होने वाली है, बियान भी स्कूल से आ चुका है और हम कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। आज दिन भर व्लॉग नहीं बनाने का कारण सिर्फ यही था कि हम आज दिन भर सोए। तो गाइस वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत शाम में हुई है आज, और बस निकल गए हैं, जा रहे हैं अभी सिकंदराबाद जाना है, सिकंदराबाद में जैन भक्ति का कार्यक्रम है, तो फटाफट जाते हैं, जाकर मिलते हैं वहाँ पे भी। तो चलो मिलते हैं कुछ देर में, वैसे हाईकोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं हम। आज भी शहर बंद होने वाला है, बस 7:30 के आसपास सिटी बंद कर दी जाएगी पूरी, पता नहीं क्या शॉट है आज भी, और पुलिस वाले तो भरे हैं जहाँ से वहाँ पे। तो गाइस फाइनली इवेंट के लिए आ चुके हैं और हमारे साथ ले जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, तो कार्यक्रम आज यहीं पे है, चलो फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और आगे क्या होता है देखते हैं। तो गाइस इवेंट के लिए आ चुके हैं, सामान वगैरह रख दिया है और देख सकते हो यार इतनी बड़ी बिल्डिंग, पता नहीं कौन रहता है इतना ऊपर, कितनी ऊपर है भाई। अभी आपको पता है मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर के बावजूद और इतना हाइट है, पता नहीं नीचे से कितनी हाइट दिखेगी, मैं तो नीचे से तो बिल्डिंग देखा नहीं है। ये सेकंड फ्लोर के ऊपर का सरफेस है, यहाँ पे कीर्तन होगा अपना, बच्चे खेल रहे हैं। और भाई साहब मिलिए हमारे कार्तिक भाई से, कार्तिक पावर, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सरस्वती की देन है इसको, इतना प्यारा गाता है भाई ये, अगर आज तो मौका मिलेगा तो एक दो क्लिप डालूंगा इसकी भी, वैसे गाने में तो एवन है। और कार्तिक भाई क्या बोलना है, फर्स्ट टाइम व्लॉग में आ रहे हो आप? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और धीरज भैया का व्लॉग रोज देखता हूँ, और सब्सक्राइब करो सब धीरज भैया का व्लॉग चैनल। बिल्कुल ऐसे प्यार, जब ऐसे लोग प्यार दे रहे तो मेरा मानना ये हर कोई प्यार देगा। और आज के प्रोग्राम में धीरज भैया तो धूम मचेगी। नहीं भाई देखो, जब कलाकार अच्छे रहेंगे साथ में गाने वाले तो बजाने में और आनंद आएगा, बस आज कार्तिक के साथ बजाने का मौका मिल रहा है तो कोशिश ये रहेगी कि 100% मैं अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि ये काफी लेवल का सिंगर है ये। नहीं मजाक नहीं, सच में बहुत प्यारी आवाज है और एक अच्छे लेवल का सिंगर है। और देखिए आज ये मेरे व्लॉग में आ रहा है, बट दावे के साथ कह रहा हूँ गाइस ये व्लॉग साक्षी रहेगा मेरा, आने वाले टाइम पे ये पूरे नेशनल लेवल में छाएगा, इतनी प्यारी सिंगिंग है इसकी, तो आज बराबर आज पक्का आपको बताऊंगा इनकी सिंगिंग। मैं चाहूंगा मिट्टी में जाना और अपनी मिट्टी वाली रख लेते हैं। Yeah, you can do it too.
ये हमारे दुर्गेश भाई बड़े ही सीनियर कलाकार, तबले बहुत ही प्यारे, और ये कार्तिक भाई इन्हीं के बेटे हैं। कार्तिक भाई से तो परिचय हो गया और ये हमारे दुर्गेश भाई है। चलो बात करते करते बात करेंगे। तो कार्यक्रम खत्म हो चुका है, बस निकल रहे हैं घर के लिए। दुर्गेश भाई भी वही बोल रहे थे, बाहर टेंशन होगा कैसे जाएंगे, बट आज सब कुछ ठीक है, पुलिस वालों ने संभाल लिया सब कुछ। और दुर्गेश भाई क्या बोलना है? सब अच्छे रहे, शांति से रहे, हाँ जिए और जीने दे। बस बस बिल्कुल, वैसे कोरोना के वजह से 3 साल घर में बैठे हम फिर वापस वही दिन आएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो सब आराम से अपने अपने घर में रहे, अच्छे रहे, और कल सुबह उठ के फिर कारोबार वगैरह चालू करे। हमारा तो कार्यक्रम दुर्गेश भाई के साथ ही है 7 दिन तक अभी। चलो मिलते हैं घर जाकर। भाई देखो, सिटी में तो सब कुछ स्टार्ट था, लेकिन जैसे मूल सिटी आए वापस वही हालत हो गई यहाँ पे। मतलब अभी पूरा कंट्रोल में है मामला, पुलिस वाले वगैरह अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सब अपन अपना काम कर रहे हैं, तो कोई वैसे तो टेंशन की बात है नहीं, तो आराम से जा रहे हैं घर। तो अभी तक कोई रुकावट नहीं, किसी ने नहीं रोका आज। अब शायद पुलिस वालों को भी आदत हो गई देख के मेरे को 3 दिन से, तो जो बाहर के थे वो लोग भी देख रहे हैं मुझे। पब्लिक तो घूम रही है अभी भी, हाँ अभी बेटर है हालत। 2 दिन से आज थोड़ा सही लग रहे हैं रोज, मतलब 2 दिन में भाई साहब कौनो एक अलग नज़ारा हो गया था। लॉकडाउन का टाइम याद आ रहा था मेरे को धीरे धीरे, बट लॉकडाउन का टाइम अलग था, ये जो 2 दिन में हुआ ये बहुत अलग था। भगवान सबको ज्ञान दे, मतलब ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, समझ में आना चाहिए। मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें ऐसे चीज़ों से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो हम हैं सीधे साधे आर्टिस्ट, गा बजा के जीने वाले। तो बेहतर यही है कि जहाँ तक मुझे पता है आजकल सब एजुकेटेड है, सब वेल सेटल्ड है, सबको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। यही बोलना है कि भाई सब अपने अपने घर में रहो, रातों में निकलो मत, जो भी देख रहे हैं जो रात को घूमते हैं। वैसे देखो हमारा तो काम है, हम तो यही टाइम पे आएंगे, बट अननेसेसरी जो घूमना होता है, जैसे हम भी जाते थे कभी कभी चाय पीने, तो कुछ दिन के लिए सब कुछ बंद कर देना ही ठीक रहेगा अभी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही है शहर के अभी भी। तो भाई घर तो आ चुके हैं, और जैसे कि बाहर का माहौल आपको बताया कि है थोड़ा वो टेंशन, बट पुलिस वाले वक्त भी अपना काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। वैसे हर चीज़ शांत हो गई है, बट जो 3 दिन हुआ तो थोड़ा सा टेंशन था, रात में घर आने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा 2 दिन से। तो अभी तो हालात एकदम सही है, पता नहीं क्या हुआ होगा, वो जो भी हुआ होगा वो सब सेट राइट हो गया है। तो नेक्स्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग, इतने लोग आप लोग देख रहे हैं, 300-350 को भी उसके आसपास जा रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं,
शायद कोई मतलब मेरे वीडियो में कोई खामी वगैरह कुछ दिख रही होगी, तो प्रयत्न ये आप सब्सक्राइब चाहे करो या ना करो, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो ताकि मैं अपने ब्लॉग को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ और कुछ बेहतर चीज़ और कुछ अच्छा बना के आपके सामने ला सकूँ, आपके लिए ला सकूँ, आपको एंटरटेन कर सकूँ। बस मोटिव तो वही है, एंटरटेन करना है। तो चलो ओके। और देखो गाइस, जैसे कि वक्त हो रहा है रात के 11:30 और विहान सो गया था इनके वजह से। हाँ, मैं आया, जैसे मैं अंदर आया उठ के आ गया, ऐसे थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। सर्दी हो गई। हाँ, टैबलेट भी ले लिया इसने। तो कल स्कूल है? हा? कल स्कूल है, परसों सैटरडे है तो हाफ डे है। कल स्कूल जाना है? कल स्कूल है ना। कल कुछ नहीं पूछ रहा भैया, कल कल तो स्कूल फ्राइडे है, कल फुल डे रहेगा। हाँ। कल फिर उसके अगले दिन सैटरडे हाफ डे रहेगा स्कूल, फिर उसके बाद संडे छुट्टी। चलो जाके सो जाओ अभी। ये एक्चुअली ये रूम में सोता है चाचा लोग के साथ में। हाँ, रात बहुत हो जाती है आने में, फिर नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए ये अपना सोता है। बट दो दिन से सो नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी भी। तो चलो बस बोलना यही था, जैसे कि आप देख रहे हैं, साथ में कमेंट जरूर करें। मैंने जो कल के ब्लॉग में आइडिया दिया था, अच्छा लगा ना? हाँ, आइडिया वो ब्रेड वाला। हाँ, उसे चॉकलेट सॉस डाल के खाने का। हाँ, अच्छा लगा। वो आप कभी भी खा सकते हो। हाँ, वो भी अगर आपके पास जा भी है तो, अगर ये है तो प्लीज ट्राई करो। बहुत टेस्टी था, अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। तो बस यही बोलना था कि कमेंट जरूर करें, चाहे आप शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप ब्लॉग देखने के बाद में आपको जो भी कमी लग रही है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि देखो, ऐसे ही हमने फ़ोन उठाया और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो बेसिकली सच बता रहा हूँ, ये मेरे को फोर्स करता था ब्लॉग बनाने के लिए। और जैसे ही बनाने लगा, एक दो ब्लॉग बनाए, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं डेली बनाने लगा फिर उसके बाद में। तो अगर आप बताएंगे तो और थोड़ा सीरियस लाएंगे और थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे आपको भी। तो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आज नहीं बोलूंगा, दो मिनट रुको, आज नहीं बोलूंगा चैनल को लाइक। हाँ, इनके ब्लॉग पे किसी ने कमेंट किया है कि विहान टू गुड बन गए, विहान टू गुड। हाँ, कमेंट आया है विहान टू। ये कितना खुश हो रहा है भाई साहब, किसी ने कमेंट कर दिया इसका नाम लेके। जब से कमेंट देखे, जब से बोल रहा है कि मेरे लिए कमेंट आया। ये तो ये है भी इतना क्यूट, है भी इतना क्यूट, कमेंट तो आनी ही है। तो चलो ठीक है, आज मैं नहीं बोलूंगा आपको, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज केवल यही बोलूंगा कि चैनल पे कमेंट जरूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।